हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है रुअबजा वाले शरबत से। और मुझे तो वैसे जुकाम है तो मैं नहीं पीऊँगी शरबत, लेकिन ये बोल रहे थे कि शरबत बनाओ, तो यहाँ पे मैं इनके लिए शरबत बना रही हूँ। और गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता गर्मी के बारे में। पहले कहते थे कि बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, हल्का ठंडा हो जाएगा, पर वो तो और दुगनी गर्मी होने लगी है उमस वाली। और ये देखिएगा चंपा का फूल कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी तो झड़ जाते हैं, जो ऊपर पड़ जाते हैं ना, जो ऊपर खिलते हैं डेली, काफ़ी सारे नीचे गिर जाते हैं टूट के, क्योंकि तोड़ नहीं पाते उन्हें। और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो भिंडी की सब्जी बनानी है, तो वही काट रही हूँ मैं। और सब्जी बनाने से पहले ही भिंडी को काफ़ी देर पहले ही धुल के रखने से सही रहता है, ताकि जब काटने टाइम भिंडी को ना एकदम सूखी रहे, उसका बिल्कुल भी पानी ना हो उसमें, तो सही रहता है। अभी मैं थोड़ा देर पहले ही धुली है, तो वो इतनी जल्दी भिंडी सूखी थोड़ा थी, तो काटते टाइम ना हाथों में बिल्कुल तार तार से चिपक रहे थे ऐसे। और इसीलिए मैं तो जैसे ही सब्जी आती है धुल के भिंडी पहले ही रख देती हूँ, ताकि जब भी बनना होगा ना तो एकदम वो सूखी रहेंगी, काटने में सही रहेगा। और फिर मैं आ गई हूँ आंगनवाड़ी केंद्र में। और आंगनवाड़ी केंद्र के तो बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे ही होते हैं, तो वो ऐसा है ना कि वीडियो वगैरह तो नहीं बना पाते हैं, पर फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये फ़ोटो मुझे ग्रुप में डालने की भी काम आती है, क्योंकि हम लोगों को डेली अपडेट देनी पड़ती है ग्रुप में। तो पोषण ट्रैकर में तो मतलब जैसे सब कुछ ऑनलाइन वगैरह हाजिरी हाजिरी चढ़ाते ही हैं, पर वैसे भी फ़ोटो सेंड करनी पड़ती है ग्रुप में। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि श्याम बाबा के दर्शन कर आते हैं आज जाके। तो देखो, प्लान तो बना चुके हैं जाने का, अब यहाँ से घर से निकल कितने टाइम पाते हैं पता चलेगा। तो अब शाम के 5 तो बज चुके हैं, और वही 7-8 बजे जितने बजे के समथिंग निकल पाएँ। और वैसे भी गांव के कुछ लोग कह रहे हैं जाने के लिए, तो पता चलेगा कौन कौन जा रहा है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कौन कौन जा रहा है। तो ये बोल रहे थे कि मतलब गाड़ी एक बुक कर लेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो उसमें जितने लोग जाएंगे तो फिर सब लोग चले जाएंगे। देखो, अभी पता चलेगा कि कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं, पर जाना है आज इतना तो पता है। तो चाची जी को भी जाना है, और ताऊ जी, और गाँव के एक आध लोग और, तो ऐसे 7-8 लोग जाने की बोल रहे थे। अब उस 7-8 लोगों में से जाता कौन कौन है ये पता चलेगा। और जा रही हूँ, कपड़े वगैरह तो रख लूँ जाके, जब जाते रहेंगे तब जाएंगे। और तब भी जैसे कि श्याम के एक आध जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी अपने और एक जोड़ी इनके, कि मंदिर में सुबह दर्शन करने के लिए चाहिए कपड़े, तो वो रख लूँगी। और दूध मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, और मतलब खाने के नाम पे तो ये रोता है। खाना खाने से बैठाओ तो इतना रोएगा जैसे किसी ने मारा हो, ऐसे आनाकानी करता है ये खाते टाइम। और बस दूध दिए रहो, दूध में इतना खुश रहता है, तो दूध से होना क्या है, ये छोटा तो है नहीं है इतना कि हाँ बस दूध में बना रहेगा। उम्र के हिसाब से इसे मतलब खाना भी तो चाहिए, पूरे पोषण चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो दूध में ही राजी रहता है, इसीलिए इतना कमज़ोर हो जाता है ये। और बस अब मैं कपड़े निकाल के रख लूँ कि जो मंदिर में मतलब सुबह नहा के चाहिए दर्शन करने के लिए। तो अपने लिए मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी रख ली है, सुबह पहनने के लिए हो जाएगी। और इसके 2-3 जोड़ी रख लिए हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे भी कर लेते हैं, कहीं पानी फैला लेते हैं, कहीं दूध, तो ऐसे इसके 2-3 पैंट और टी शर्ट 2-3 ऐसे रख लिए हैं। और अब बज रहे हैं रात के 9, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे चाची जी हैं, मैं हूँ, नंदिनी हैं, श्याम और श्याम के पापा, बस इतने ही लोग मंदिर जा रहे हैं, यही क्लियर हुआ है। और जो 7-8 लोग जा रहे थे, जैसे कि ताऊ जी थे, चाचा जी थे, ऐसे गाँव के कुछ और लोग थे, वो किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, तो वो बाद में जाएंगे। और
ये ताऊ जी के लड़के की ही गाड़ी है, तो इससे हम लोग सरमथुरा तक जा रहे हैं। उसके बाद में फिर वहाँ से स्लीपर बस हम लोगों ने ले ली थी, तो यहाँ बस में आ चुके हैं। ये देखो श्याम बस में आते ही सो गया है। मतलब इसे कोई भी वाहन में बैठा दूँ, जैसे कि गाड़ी, बस, ट्रेन, कुछ भी, बस कंटिन्यू चलना चाहिए वो रोड में, तो ये तुरंत सो जाता है इसे। ये है, और सरमथुरा से भी बस काफ़ी आगे निकल आई है, और ये देखो रात के टाइम कुछ भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पे बस थोड़ा देर के लिए रुकी हुई थी खाना पानी करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने चाय मंगाई थी सबके लिए, तो सब लोग चाय पी रहे हैं। और चाची जी को भूख भी लगी थी तो वो कड़ी कचौड़ी खा रही है। मुझसे तो रात में कुछ नहीं खाया जाता, वैसे भी दिन चेंज हो जाता है इस वजह से। फिर हम लोग पहुँच गए हैं जयपुर। जयपुर से बस चेंज हो गई है, क्योंकि सरमथुरा से बैठे थे तो वो जयपुर के लिए ही थी, फिर जयपुर से अब खाटू धाम के लिए दूसरी बस चेंज की है। तो यहाँ पे हम लोग बस में आ चुके हैं, और ये ऊपर की सीट मिली है। पहले तो उस वाली सरमथुरा से जब बैठे थे जयपुर के लिए तब तो नीचे की सीट थी, पर अब जयपुर से खाटू धाम के लिए जब बस चेंज की है ना, तो ऊपर की सीट मिली है यहाँ पे। अच्छा है। अरे बहुत मजा है यार, गाड़ी चल रही है ना, चलो और यहाँ पे चाची जी बोल रही थी कि ये बस की जो विंडो है उसका शीशा खुल जाता तो सही रहता, तो नॉन एसी होती तो ये है कि नॉन एसी बस में तो कितना भी विंडो खोले रहो कुछ वो नहीं है, पर इसमें थोड़ा ना विंडो का ग्लास खुल। मम्मी मम्मी बैठी गई है, पता थोड़ा उठा करिए, पलट नहीं जाऊंगी, मैं नीचे को। और यहाँ पे चार्जर नहीं मिल रहा था, वही मैं दूर दूर के परेशान थी, और वो चार्जर ना कपड़ों के नीचे जा पहुँचा है, बैग में बिल्कुल नीचे तरी में, इस वजह से वो दिख नहीं रहा था। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि चार्जर की वजह से ना पूरा सामान निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे नंदिनी का मोबाइल चल रहा है, इस साइड चाची जी का मोबाइल चल रहा है, और अब हम लोग थोड़ी देर में ही खाटू धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि रिंगस आ चुका है और रिंगस से बस निकल चुकी है। और जो रिंगस से खाटू धाम का रास्ता है ना, उस रास्ते को तो कह ही नहीं सकते, सच में कितना सुंदर लग रहा है। तो जो रोड का डिवाइडर है बीच का, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, पूरे में एकदम हरा भरा डिवाइडर हो रहा है, और रोड के किनारे भी बड़े बड़े पेड़ लाइन तार लगे हुए हैं, चारों साइड हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो और एकदम हरियाली हरियाली हो रही है, तो सुबह का टाइम है तो बहुत ही सुंदर लगता है सच में। और फिर सुंदर क्यों नहीं लगेगा, ये रास्ता बाबा श्याम के यहाँ तक जा रहा है तो सुंदर तो होगा ही। चल नीचे चल रहे हैं। और बस में खासकर ऊपर की सीट में यही प्रॉब्लम होती है कि चढ़ने उतारने की दिक्कत ज़्यादा होती है, और वो भी लेडीज के साथ में। जेंट्स तो ये है कि ऊपर की सीट मिली हो या नीचे की, कहीं पे भी चढ़ के चले जाते हैं, पर लेडीज को ऊपर वाली सीट में थोड़ा ये है कि चढ़ो फिर उतरो ऐसे। और अब हम लोग खाटू धाम पहुँच चुके हैं, तो जहाँ पे स्लीपर बस का स्टैंड है वहाँ पर बस उतारा है आके, वहीं रास्ते में उतार देते पर इतना आगे ले आए, क्योंकि अपने स्टॉपेज पर ही उतारेंगे वो। तो बस यहाँ से अब हम लोग लेंगे रिक्शा, और रिक्शा से फिर जाएंगे होटल। और हम लोगों को रिक्शा मिल चुका है, तो ये रिक्शा हमें सीधे होटल लेके जाएगा, और वहाँ पे ये है कि श्याम को पहले तो जाके दूध वगैरह देंगे क्योंकि भूखा है, और उसके बाद में फिर नहाएंगे,
तब जाके कहीं बाबा श्याम के दर्शन करने जाए। और अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, तो यहाँ रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को रूम की चाबी वगैरह नहीं मिली है, तो रिसेप्शन में ही बैठे हैं। ये नीचे आने की जिद कर रहा था और ये देखो सीधे कहाँ आया है, जहाँ पे टेबल में ना रिमोट रखा है वहीं पे, क्योंकि उसे रिमोट दिखाई दे गया है। तो बस अब संकोच में है कि ले लूँ कि ना लूँ, तो ये रिमोट लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखो हाथ बढ़ाया इसने सीधे, और बस अब हम लोगों की रूम की चाबी मिल चुकी है, तो हम लोग आ चुके हैं रूम में। तो यहाँ से हमको दूध वगैरह दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।